हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो किचन से ही मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। दिन है आज बुधवार और समय हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं और आज का जो तारीख है वो है 5 जनवरी 2022। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो अभी आपने देखा ना कि मैंने रोटियाँ सारी जो है बना ली हैं, ये देखिए। और आज हस्बैंड का छुट्टी है तो वो गए हैं मार्केट, मतलब जैसा कि सब्जी लेने के लिए, कि जो मतलब अभी बनेगा और कुछ सब्जी स्टोर कर देते हैं हम। मतलब मैं डेली सब्जी नहीं मार्केट से लेती हूँ, हस्बैंड ला देंगे तो फिर वो एक हफ्ता आराम से चल जाता है। तो वही गए हैं लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं रोटी बना दूँ क्योंकि 7 बज चुका है। और मैंने सोचा कि चलो पहले मैं रोटी बना लूँगी तो मुझे सब्जी सिर्फ बनानी रहेगी। तो देखिए साग आज हमारे यहाँ नॉनवेज बनेगा और मैं रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। ऐसी मछली मैं बनाऊँगी कि जो आप लोगों ने कभी नहीं खाई, ना उसका आपने नाम सुना होगा ना कभी आप लोगों ने खाया होगा। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा ताकि आपको पता चले कि कैसी फिश मैंने बनाई है। कि मतलब पूरे मुझे लगता है कि यूपी में तो कोई नहीं जानता होगा उसके बारे में, उस फिश के बारे में। तो अभी मछली आने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ और रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मेरा काम हो गया, अब मैं थोड़ी सफाई कर लूँ। ये देखिए सारे आटे जो है ऐसे बिखरे हुए होते हैं, हाथ में भी आटे लगे हुए हैं। यहाँ पूरा गैस जो है उसको क्लीन करना है, तो अभी मैं क्लीन कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ। चलो ले जाओ, अंदर ले जाओ। तो फ्रेंड्स, अभी हस्बैंड घर पे आ गए हैं सब्जियां और ग्रोसरी का सामान लेकर के, और मैं किचन क्लीन अप कर रही हूँ क्योंकि किचन क्लीन करने जा रही थी तभी हस्बैंड आ गए थे। तो अभी मैं किचन भी क्लीन कर लेती हूँ और सारे बर्तन जो हैं वो सारे बर्तन मैं सिंक में रख दूँगी। और हस्बैंड सब्जी जो लाए हैं वो मटर गोभी पत्ता गोभी यही सब लाए हैं। और छवि आपको बरी दिखा रही है कि पापा बरी भी लेकर के आए हैं। तो अभी मैं सब्जियों को छोड़ के पहले आग जला दूंगी क्योंकि हस्बैंड को बहुत ठंडी लग रही थी। वो बोल रहे थे मैं बाइक चला के आया हूँ, एक बार आग जला दो, मैं सेकूंगा अपना हाथ पैर। तो मैंने आग जला दिया, उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ, सारी सब्जियों को लगा दूंगी फ्रिज में और गाजर को रख दूंगी बाहर। इसका हलवा बनाऊंगी और वीडियो मैंने शूट किया है। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको गाजर का हलवा का रेसिपी मिलेगा कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ बरी, जो बनारस की महिलाएं होती हैं, गृह उद्योग है ये, आप अपने घर में कर सकते हो ये बिजनेस अगर आप चाहते हो तो। और सारी सब्जियों के छिलके मैं इस टोकरी में डाल दूँगी क्योंकि हमारे यहाँ गाय आती है शाम के समय, तो ये सब मैं दे दूँगी गाय को खाने के लिए, कल शाम को दे दूँगी। तो इसे इसी टोकरी में मैं रख के एक साइड में रख दूँगी और फिर मैंने जो मछली बनेगी उसकी तैयारी कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने ये इमली भिगो दिया है पानी में, गुनगुना पानी डाला है इसमें, और मसाला मैंने पीस लिया है, लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च लाल मिर्च ये सब मैंने पीस लिया है। और एक प्लेट में मैंने सूखे मसाले निकाल लिए, नमक हल्दी कश्मीरी लाल मिर्च। और मछली भी वाश हो गई है, इसे एक साइड में रख देती हूँ। और फ्रेंड्स, हस्बैंड यहाँ पे अपनी गाड़ी को क्लीन कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं उसकी, और हम आग सेक रहे हैं। मैं मटर छिल रही हूँ, बच्चे यहाँ पे मटर जो है भून के खा रहे हैं। और मछली बाद में बनेगी क्योंकि ये जो रेसिपी है मछली का, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, बस 15 से 20 मिनट भी नहीं लगते हैं इसको तैयार करने में। तो हम सोच रहे थे जब हमें मतलब डिनर करना होगा तब तुरंत बनाएंगे और तुरंत हम डिनर कर लेंगे। तो अभी हम आग सेक रहे हैं बच्चों के साथ और सारे मटर मैं छील लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, छवि ये पढ़ रही है और ये मटर खा रहा है, ये पढ़ाई नहीं कर रहा है। और छवि तुम्हारा मटर भी भून गया है, लो पकड़ो, देखो एक दे दिए छवि, ये लो। ये देखिए मटर भुना हुआ बच्चों को बहुत पसंद है तो मैं उन्हें दे देती हूँ। छवि दे दिए तुमको मटर, ले लो, यहाँ देखो तीनों यहाँ पे है, पूरा हो गया है। तो अभी देखिए मैं मटर छील रही हूँ, पहले पूरा मटर छील लूँगी फिर किचन में जाना है आज आप लोग के साथ नई रेसिपी शेयर करनी है मछली का, और आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा। तो पहले मैं अभी मटर छील लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तेल को मैंने, सरसों का तेल है ये, तो इसे रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए कढ़ाई में। और अभी फिर मछली जो है वो कढ़ाई के अंदर जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज जो है मतलब मछली जो है वो मैं नहीं बना रही हूँ, हस्बैंड। तो आज हस्बैंड बना रहे हैं, और ये वाली मछली ना मुझे नहीं आती बनाने, मुझसे अच्छी नहीं बनती है, तो यही बनाते हैं।
और यहाँ पे देखिए मैंने मटर जो है वो छील लिया है। मटर कहाँ रखी हूँ बताती हूँ। ये देखिए सारा मटर जो है 2 kg था तो इतना दाना निकला है। और देखिए इसकी क्या रेसिपी बनती है। और यहाँ देखिए तेल जो है गर्म हो रहा है और मछली जो है यहाँ पे है। एक मिनट, यहाँ देखिए मछली रखी हुई है, सारे जो मसाले हैं वो रखे हुए हैं। और अभी मैं ना राइस जो है उसे राइस को मैं धो लेती हूँ क्योंकि रोटी मैंने बना लिया है और राइस जो है उसे मैं धुल लेती हूँ। तो आइए पहले दिखाती हूँ क्या हुआ। हो गया। अच्छा ठीक है। ये देखिए हस्बैंड जो है मछली डाल रहे हैं। फ्रेंड्स मछली को जो है एक बार ऐसे मतलब चला देना है। और ये फ्राई नहीं मैं कर रही हूँ, बस इसको मतलब जैसे चोखा होता है ना आलू का, वैसे इसे मतलब ये अपने आप ही टूट के चोखे की तरह हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसे सॉफ्ट होने तक बस ऐसे ही पका लेंगे हाई फ्लेम पे। लो फ्लेम पे नहीं रखना है इसे। तो ये देखिए आज ये सब मस्ती कर रहे हैं और आज मैंने हेयर कॉम नहीं किया इसलिए मेरा बाल जो है इतना बिखरा बिखरा लग रहा है। वो देखिए वहाँ गया। तो अभी देखिए हस्बैंड लाल मिर्चा पीसे हैं, लाल मिर्चा और हरे मिर्चा, अदरक लहसुन और प्याज का मैंने पेस्ट बनाया था। दिखा दीजिए एक बार इधर, तो यहाँ दिखा दीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये पेस्ट है, अभी पेस्ट इसमें जाएगा मछली के अंदर। तो फ्रेंड्स जब तक हस्बैंड मछली बना रहे हैं तब तक मैंने सोचा कि मैं चावल को धुल के रख दूंगी 10 मिनट तक, इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ फूलने के लिए, उसके बाद मैं गैस पे चढ़ाती हूँ। तो सोच रही थी कि अभी इसको धुल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मछलियों में हस्बैंड ने सारे मसाला जो था वो डाल दिया है और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे मछलियों में मसालों को। फिर इसके बाद जो रूटीन के मसाले, जैसे कि जो प्लेट में मैंने मसाले निकाले थे हल्दी नमक और कश्मीरी लाल मिर्च, वो सारा पाउडर इसमें डाल देंगे प्लेट का मसाला। क्योंकि मैं जब नॉनवेज बनाती हूँ तो सूखे मसाले सारे पहले ही मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो अभी देखिए अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे भूनना है, लो फ्लेम पे भूनना है। अब लो फ्लेम कर देना है और उसी लो फ्लेम में इसे भूनना है। और आपको पता है कि थोड़ा थोड़ा बर्तन होता है तो मैं उसे वॉश करती रहती हूँ। तो वही हस्बैंड चला रहे हैं, उनसे मैं बातें कर रही हूँ, वो मछली बना रहे हैं और मैं बर्तन जितना निकल रहा है वो सब क्लीन करती जा रही हूँ कि घर क्लीन रहे। और यहाँ पर देखिए चावल जो है वो थोड़ा समय और लगेगा, जैसे कि 5 मिनट में बन जाएगा चावल। और यहाँ मछली भी मुझे लग रहा है डन है, थोड़ा देर बस इसे और रखना है। अभी इमली का पानी भी इसमें डालना है। तो मछली देखिए साइड साइड से जो है तेल छोड़ दी है और ये इमली का पानी है, यही इमली का जो पानी इसमें डालना है। और इसका बीज और जो एक्स्ट्रा इसमें गंदगी होती है वो सब मैंने निकाल दिया है। और बिहार का फेमस डिश है, फिश का फेमस डिश है, आप इसे ट्राई करिएगा फिर आपको पता लगेगा कि कैसा, मतलब ये कैसा लगता है, मैं अपने मुँह से क्या बोलूँ। और जो नॉनवेज नहीं खाते उनकी कोई बात नहीं है, पर जो नॉनवेज खाते हैं इसे एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे, उन्हें खुद पता लग जाएगा कि कैसा ये लगता है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो ये देखिए बन गया हमारा, बस इसमें इमली का जो जूस निकाला था ना वो जूस इसमें अभी जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी मैंने इमली का पानी इसमें डाल दिया है और अच्छे से उबाल आ जाएगा जब इमली के पानी में, तो सारे फिश में इसे मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। और जो घटरा है वो डन है बिल्कुल खाने के लिए गर्मा गर्म। तो थाली भी मैंने लगा दी है, आ जाइए आप लोग भी, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको इन्वाइट कर रही हूँ मैं। तो आप सब भी आ जाइए गर्मा गर्म घटरा रोटी सलाद खाने के लिए। चावल भी बन गया है, फिर हम लोग अब साथ में बैठ के डिनर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिनर कर लिया है और मैंने किचन भी क्लीन कर दिया है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने गैस भी वॉश कर लिया है। जब भी नॉनवेज घर में बनता है ना, अभी देखिए अभी गैस जो है वो सूखा नहीं है, आप पानी देख सकते हो। देखिए देखिए अभी रुपेश का क्लास चल रहा था ना, इसकी वजह से मैं सूट नहीं कर पाई थी उस समय। तो अभी देखिए मैंने गैस साफ़ कर लिया है, टाइल्स वगैरह ये सब मैंने साफ़ किया है। अभी आप देख सकते हो कि अभी वाटर जो है पानी जो है वो सूखा नहीं है। ये देखिए क्योंकि रुपेश का ऑनलाइन क्लास चलता है 9 से 10 बजे तक चलता है, तो इस वजह से मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई। और उसी समय मैं जो किचन है ना उस किचन को क्लीन कर रही थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि फ़ोन रुपेश के पास था। इसी क्या हुआ, इसी फ़ोन से रुपेश ना क्लास करता है तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो फिर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने किचन जो है क्लीन कर दिया है, सिंक जो है पूरा ही अब मैंने धुला ही है तो सूखा नहीं है सब। देखिए सिंक भी वॉश है और जो फर्श है ना, फर्श भी आप देख सकते हो कि सूखा हुआ नहीं है अभी। तो अभी मेरा किचन क्लीन हो गया है और अभी चलती हूँ।
अभी एक मिनट गैस चेक कर लूँ, बंद है। हाँ गैस बंद है, तो बस अभी चलते हैं, थोड़ा सा बस कमेंट जो है उसको रीड करेंगे। और लाइट्स मैंने ऑफ कर दिया है उस रूम में, देखे हस्बैंड और बच्चे जो है थोड़ा सा टीवी देखेंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ सोने के लिए, तो जैसा कि अभी मैं थोड़ा सा रीड करूँ कमेंट जो है वो रीड करूँगी, कमेंट को जो है सबका रिप्लाई करूँगी, और जो वीडियो है मेरा वीडियो मैं एडिट करूँगी। तो अब मैं चलती हूँ सोने के लिए, सॉरी सोने के लिए नहीं, चलती हूँ अब मैं वीडियो एडिट करने यूट्यूब का। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय।